हाय एवरीवन, आज मैं मसाला वड़ा बनाने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपके चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर दे और अच्छा सा कमेंट कर दे। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, ऐसे शुगर कोटेड मैं उड़द दाल का वड़ा बनाई हूँ और एक मसाला वड़ा जो काली चौदस में भी ये बनाया जाता है गुजरात में, खास तौर से ये जालीदार वड़ा बनाते हैं इस तरह। ठीक है, तो मैंने दोनों तरह का बनाया, एक मीठा वाला और एक नमकीन सा मस्त एकदम मसाला वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। देखिए, ये वड़ा खट्टा और मसाला वाला भी है, मतलब मीठा भी लगने वाला है। तो दोनों तरह के वड़े बनाई हूँ मैं। कोई भी आप एक कप सेट कर लीजिए या ग्लास सेट कर लीजिए, उसमें 2 कप उड़द दाल को भिगो कर रख देना, मतलब रात भर भिगो दीजिए, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून चावल डालकर। ठीक है, भिगो कर रख दोगे, सुबह उसको सब पीसोगे। ठीक है, फर्मेंट करने के रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब जो ये उड़द दाल को भिगो कर रख देना, फिर सुबह उसको ऐसे सब छान कर मिक्सी में पीस लेने का। 1 इंच अदरक डाल देना, फिर करी पत्ता, मिर्च जो जो, और हींग, थोड़ा नमक भी सब डालकर ऐसे पीस लेंगे, फिर उसको खूब फेंटेंगे। ठीक है, 15 मिनट ऐसे फेंटेंगे और थोड़ा हल्का हो जाएगा तो थोड़ा देखिए पानी में डालकर ऐसे देखेंगे, अगर ये ऊपर आएगा वड़ा तो परफेक्ट है ये करने के लिए। ठीक है, आपको पता चल गया। तो देखिए अब यहाँ तक हो गया फिलहाल, और आधा आधा में करके निकाल ली हूँ, क्योंकि आधा में सिंपल वाला शुगर कोटेड करूँगी ये वड़ा, ये उड़द दाल का वड़ा ही है, और आधा रखूँगी मैं मसाला डालकर बनाऊँगी। तो पहले मैं सिंपल वाला बना लेती हूँ, उड़द दाल का एकदम तेल एकदम हाई फ्लेम करने का, फिर स्लो कर देना। ठीक है, अब ऑयल पूरा गर्म हो गया, आप चाहो तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हो पूरा, हाँ, तो उसे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप वो वड़ा फूलते जाएगा। ठीक है, इस तरह आप करिए, काली चौदस से शुरू करिए ये बनाना। ये बनाकर 4 रास्ते में रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उस दिन ऐसे सब बना कर खाते भी हैं उड़द दाल के वड़े। ठीक है, काले उड़द से ऐसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने छोटा छोटा ऐसे वड़े डाल दी हूँ, और ये फुक्कर डबल हो जाएगा, इसलिए इसमें छोटा छोटा वड़ा बनाएंगे तो ही बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, और फिर आपको अगर हाथ में नहीं आएगा ना तो चम्मच से डाल देना, छोटा छोटा बनाना, बहुत ही सुपर लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जिसको मीठा खाने को मतलब ज़्यादा पसंद होगा तो ये मीठा खा सकते हैं उस दिन, और ये बहुत सी टेस्टी सी लगती है, इसलिए मैं इसके साथ नमकीन वाला भी बनाई हूँ, मसाला वाला, ताकि सब लोग तो मीठा खा खा कर बोर हो जाते हैं, है ना, तो घर पे कोई आएगा तो फिर उस तरह का वड़ा भी आप मसाला वड़ा दे सकते हो। तो इस तरह देखिए मैं अलग अलग ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये फूल रहा है तो साथ में सब अलग अलग हो जाए एकदम अच्छे से, इतना ही मैं करके निकालूँगी। जितना वड़ा मुझे शुगर कोटेड करना है उतना ही वड़ा मैं ऐसे करके पहले सिंपल ऐसे वड़ा सब बनाकर निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक हो गया, अब इसको सारा मैं तल कर ऐसे जितना मुझे बनाना है उतना सब में 10-15-12 होगा उतना मैं निकाल ली हूँ। आधा इस तरह का वड़ा हो गया, फिर उसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे तलेंगे, एकदम स्पंजी सा लगता है ये जो शुगर कोटेड वड़ा करेंगे ना, ऊपर से लगेगा एकदम मतलब सख्त है, कड़क है, और अंदर से ऐसे खाओगे तोड़ोगे तो एकदम जालीदार मस्त लगता है। आप ऐसे ही करके देखिए, कभी ऐसे वाला नहीं खाए होंगे तो नया एक ऐसा बनाइए। ये तो अभी सिंपल है, ठीक है, अभी मैंने शुगर नहीं डाला, मीठा कोटेड नहीं की हूँ, ओके, शक्कर का कोटेड बाद में करूँगी, सब पहले वड़ा छान लूँगी। अब देखिए इतना आधा हो गया था वड़ा, अब मैं इतने बेटर में 2 कांदा एकदम चॉप फाइन चॉप करके डाल दी हूँ, 2 मिर्च एकदम फाइन चॉप करके डाल देना, फिर थोड़ा सा हींग, नमक और ढेर सारा धनिया पत्ता। इसके जगह में आप कोई भी मेथी हो या कुछ भी और भी ले सकते हो, मैं धनिया पत्ता डाली हूँ क्योंकि उस दिन ये खाते हैं और बनाकर खाते हैं तो बहुत ही सुपर टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा हींग भी डाल दी हूँ, पूरा ऐसे अच्छे से सब मिक्स कर दूँगी और छोटे छोटे उसके वड़े बना दूँगी, और ये फूक कर पूरा डबल हो जाता है, और ये खाने में उससे डबल लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्या बताऊँ इसको। आप धनिया तो है, फिर उसमें ग्रीन चटनी से डिप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टमाटर केचप, टमेटो केचप के साथ आप खा सकते हो ये वाला वड़ा। ये है मसाला वड़ा, ये इतनी स्वादिष्ट लगती है पूछो मत। देखिए ऐसे मैं जितने कढ़ाई में आया ऐसे 4-4 बनाकर ऐसे छोटे छोटे बनाकर रख दी हूँ, देखिए कितना डबल फूल गया ना। इस तरह आप ऐसे नमकीन वाला भी उस दिन कर सकते हो। ये गुजरात में ज़्यादातर काली चौदस में ये वड़ा
खाटा वड़ा बनाया जाता है इसे, और क्या बोलते हैं, घायड़ा ऐसे बोलते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा भून कर भी करते हैं उड़द के दाल को, मैं इस तरह से बनाती हूँ। बस बड़े मसाला वाला वड़ा बनाने से मतलब है उड़द दाल का, ठीक है। तो इस तरह ये वड़ा बनाकर सारा मैं ऐसे छान कर निकाल लूँगी। ये खाने में स्वादिष्ट लगती है, सब इसको बड़े मज़े से बड़े चाव से खाते हैं। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नरम होता है ये, एकदम जालीदार। ठंडा हो जाएगा ना तो तोड़ोगे तो एकदम जालीदार लगेगा, नरम नरम। और मीडियम फ्लेम में ही उसको तलने का, हाई फ्लेम कर दोगे तो जैसे वड़ा डालोगे तुरंत तो जल जाएगा, तो ऊपर से तो पूरा लाल लाल हो जाएगा लेकिन अंदर उसका कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आपने को पूरा हाई फ्लेम कर दोगे, फिर तुरंत स्लो कर देना। जब ऐसा वड़ा डालते रहोगे फिर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करना, और बड़ा मस्त होता रहेगा, पूरा पक जाएगा अच्छे से, मतलब कच्चापन नहीं रहेगा मीडियम फ्लेम में करोगे तो। तो ज़्यादा अगर भर के तेल डालती है तो ऐसा पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ता, कम तेल डाली हूँ इसलिए इसको पलट रही हूँ। देखिए कितना फूल रहा है ना, अगर और ज़्यादा तेल डालते हैं तो और दुप्पट ये हो जाता फूल कर। इसमें कुछ सोडा वोड़ा कुछ नहीं डाले हैं, ना ही फॉर्मेंट किए हैं, बस दाल को रात भर भिगो कर रख दो। अगर रात भर भिगो कर नहीं रख पाओगे, कभी भूल जाओगे, तो सुबह भिगो देना 8 घंटे के लिए, फिर तुरंत ऐसे पीस कर देने का। और थोड़ा 15 मिनट और बैटर को ऐसे पूरा घुमाने का, मतलब हिलाते रहने का, इसको हल्का बनाने का बैटर को, फिर बड़े बनाने का किसी भी तरह का। और तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत जालीदार और एकदम नरम नरम बनता है। तो देखिए ये सारा मसाला वड़ा भी बनकर रेडी हो गया है, क्योंकि सारा जैसे ऑनियन डाली हूँ, धनिया पत्ता डाली हूँ, यही मसाला। आप चाहो तो अगर फास्ट में भी नहीं खाओगे, मतलब ऐसे ही और मसाला डालना चाहते हो, जैसे मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, वो भी डाल सकते हो। मुझे तो बस धनिया पत्ता और ये, मतलब हमें ये धनिया पत्ता और मिर्च और ये ऑनियन डालकर ऐसे करते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसलिए मैं जिस तरह से बनाती हूँ स्वादिष्ट लगती है, तो आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए इस दिवाली में। ऐसे वड़ा बनाइए, स्वीट वड़ा। ये देखिए सारा मैं वड़ा बना दी हूँ, और ये भी अभी हो जाएगा लास्ट, मेरा फाइनल हो गया इतना। क्योंकि बच्चे तो उस दिन बहुत खाकर, सभी लोग खा कर बोर हो जाते हैं, तो काली चौदस से ये वाला मीठा और ये मसाला वाला वड़ा बनाकर आप सर्व करिए, देखिए खुश हो जाएंगे सब। ये वड़ा बनाकर, मीठा वाला वड़ा मैं कैसे बनाती हूँ वो बताती हूँ। ये तो नाश्ता के लिए भी आप कर सकते हो, ये वड़ा जो मसाला वड़ा, ठीक है। और ये अभी ये जो मसाले वड़े को टमाटो केचप के साथ खा सकते हो। और वो अभी जो शुगर कोटेड करूँगी, जो सिंपल वड़ा रखी हूँ, पहले देखिए 2 टेबलस्पून पानी डाल दी हूँ जो शुगर कोटेड करने वाली हूँ वड़े को, 2 टेबलस्पून, क्योंकि थोड़ा 11-12 छोटा छोटा वड़ा था ना, तो उसके लिए आप अपने वड़े को देखकर कितना ज़्यादा वड़ा होगा तो ज़्यादा घोल बनाइएगा, जो सिरप बनाइएगा, ठीक है। 1 तार की थोड़ा सा ऐसा हल्का 1 तार का आएगा तो बना देंगे। फिर जो पानी 2 टेबलस्पून डाली थी, फिर शुगर भी 2 टेबलस्पून डालकर उसको पूरा मेल्ट होने के लिए, एकदम जाड़ा होने के लिए रख दी हूँ, मतलब थोड़ा थिक हो जाए वो घोल चाशनी, थोड़ा थिक हो जाएगा ऐसे, थोड़ा लगेगा अपने को जाड़ा जाड़ा हाथ में। तो सब सारा ये सब जो शुगर कोटेड करूँगी, शक्कर वाला बनाऊँगी, उसमें पूरा ये सब डाल देंगे वो वड़ा, सिंपल वड़ा, फिर उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि एक एक वड़े में लग जाए शुगर चाशनी अपना। फिर अगर ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पूरा मतलब शुगर हो गया है, तो क्या करोगे, कड़क थोड़ा हार्ड लगेगा और शुगर ऐसा गिरने भी लगता है, तो थोड़ा सा नींबू का रस 1-2 टिप्पा आप उसको चाशनी में ऐसे डाल दोगे तो हार्ड ज़्यादा नहीं लगेगा और मस्त लगता है, फिर शक्कर ऊपर से ज़्यादा लगेगा नहीं, तो खाने में भी दिखने में भी अच्छी लगती है, ठीक है। इस तरह शुगर कोटेड मैंने कर दिया, अब सारा निकाल लूँगी। देखिए मीठा का मीठा भी बन गया और एक नमकीन वाला भी बन गया, जो ये एक शुगर कोटेड वड़ा और एक है मसाला वड़ा, ठीक है। आप जो चाहे जिस तरह से खाना चाहे ये दोनों खा सकते हो, जिसको मीठा चाहिए मीठा वड़ा खाए, और जिसको नमकीन चाहिए मसाला वाला चाहिए उड़द दाल का वड़ा, वो मसाला वाला खाए। से मेंदू वड़ा की तरह ही बनता है।
बस मेंदू वड़ा में थोड़ा हम होल करते हैं और इसमें ये मसाला वाला वड़ा में होलने की है, ऐसे ही डालने का। अगर ये अच्छा लगे तो ये रेसिपी आप शेयर कर दीजिए, अच्छी सी कमेंट कर दीजिए और अब बनाकर खाकर देखिए। ये तो बहुत ईजी सी रेसिपी है, ठीक है। आप इस दिवाली में इस तरह से वड़े भी बनाकर खा सकते हो। एकदम देखिए जालीदार वड़ा बना है, एकदम बाहर से ऐसे पूरा कड़क दिखेगा और अंदर से तोड़ने के बाद एकदम सॉफ्ट। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना। बाय।